नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके शराब का धंधा करने वाले अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बता दें आपको कि शराब तस्करी करने के लिए ये लोग एक से एक हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं। यह खबर सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे जब आपको यह पता चलेगा कि अब जो शराब की सप्लाई है वो कुरियर से हो रही है बिहार में। जी हाँ, ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर का आया है। बिहार सरकार तमाम कोशिश कर ले शराबबंदी करने की, बिहार में शराब माफियाओं पर नकेल कसने की, लेकिन अंततः बिहार सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर से आया है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो राजस्थान से कुरियर द्वारा शराब मंगवा कर उसे बिहार में बेच रहा था। आरोपी शराब की सीधे होम डिलीवरी करवाता था। उसके घर से उत्पाद विभाग की टीम ने 12 कार्टन शराब जब्त की है। आरोपी की पहचान सरैया थाने के सुजावलपुर राजा राम गांव निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है। उसकी बुलेट बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। उसके पार्टनर संतोष कुमार की गिरफ्तारी के प्रयास में उत्पाद टीम जुटी हुई है। निजी कुरियर कंपनी का मुख्य कार्यालय मुजफ्फरपुर शहर में स्थित है। यहां कुरियर से सौरभ के नाम का एक पार्सल आया था, उसमें शराब थी। मल्टीपल सामान के नाम पर जयपुर से कुरियर पार्सल भेजा गया था। कुरियर कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों को पार्सल में शराब होने की आशंका थी। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने इसकी सूचना उत्पाद टीम को दी। उत्पाद विभाग की टीम ने कुरियर की डिलीवरी का निर्देश दिया। डिलीवरी बॉय ने सामान रिसीवर को उसके दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल किया। उसने कुरियर पार्सल आने की पुष्टि की और अपने घर पर पार्सल रिसीव कर लिया। बता दें आपको कि पार्सल रिसीव होने के कुछ देर बाद ही उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और सौरभ को शराब के साथ दबोच लिया। प्रभारी उत्पाद अधीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि बुलेट बाइक पर कुछ शराब की बोतलें लेकर सौरभ निकलने वाला था, उसी समय उसे दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर उसके घर से भी शराब मिली। पूछताछ में पता चला कि वो काफ़ी समय से कुरियर से पार्सल में शराब की खेप मंगवा कर घर घर बेच रहा था। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर से यह मामला सामने आया है, जहां सौरभ नाम के एक व्यक्ति राजस्थान से बिहार के लिए शराब मंगवाता था और होम डिलीवरी करता था। इस दौरान विभाग ने पता लगाया कि कैसे क्या हो रहा है और फिर सौरभ को जाकर उसे रंगे हाथ दबोच लिया। इसी के साथ क्या कुछ खबर था बताया मैंने आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में, तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.